साउथ इंडियन का कुछ ऐसे एक्टर है जिन्होंने इस साल का मोस्ट हाइप वाला फिल्म पुष्पा द राइस को किया था रिजेक्ट। हाँ दोस्तों, और जिस कारण क्या उनका लॉस हुआ है या लाभ, और बाद में दूसरा कौन से एक्टर ने पुष्पा को करके बॉक्स ऑफिस पर रहा सक्सेसफुल, जानने के लिए सुशांत की वीडियो जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। और बाद विजय सेतुपति और डी बॉस दर्शन, जहाँ पर इस पुष्पा पे जितने भी विलेन था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल विलेन रहा फहद फसील ने। यानी कि पूरे फिल्म पे उन्होंने एक ऐसे विलेन था जिन्होंने पुष्पा राज की बराबर टक्कर दे सकते हैं। और लास्ट 15 मिनट फहद फसील का अपीयरेंस फिल्म का एक गूज बम्प रहा। और बता दोस्तों, जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी रोल के लिए पहले विजय सेतुपति को ऑफर दिया गया था, पर मक्कल सिल्वान विजय ने इस फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट। और इसके बाद कैसरी रूमर के मुताबिक सैंडलवुड का चैलेंजिंग स्टार डी बॉस दर्शन को भी इसी रोल के लिए ऑफर किया गया था, और सुनने को मिला कि उन्होंने भी इसी रोल को कर दिया रिजेक्ट। पर डी बॉस दर्शन का इसी रूमर से रिलेटेड कोई कन्फर्मेशन नहीं है। नंबर टू, समांता। हाँ दोस्तों, जहाँ पर समांता को पुष्पा द राइस का लीड एक्ट्रेस यानी कि श्रीवाली की रोल के लिए पहले अप्रोच किया गया था, पर उन्होंने श्रीवाली की रोल रिजेक्ट कर दी थी। और बाद में ये रोल चला गया रश्मिका मंदाना के पास, और सभी लोग जानते हैं कि इसमें रश्मिका ने पुष्पराज का लवर की रोल प्ले किया है, और फिल्म पे उनकी डिफरेंट एक्टर नजर आई है। और अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका की केमिस्ट्री भी फैंस ने काफ़ी पसंद की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समांता ने रिजेक्ट करने के बावजूद भी डायरेक्टर सुकुमार ने उनको आइटम गाना के लिए ऑफर किया। और बाद में सभी लोग जानते हैं कि समांता की वजह से ही ओ आंतावा सॉन्ग इतने हाइप पर है, और पूरे थिएटर को गर्म करने के लिए समांता की डांस मूव से काफ़ी था। नंबर थ्री, प्रिंस महेश बाबू। हाँ दोस्तों, जहाँ पर डेटा सुकुमार ने पुष्पा राज के रोल के लिए पहले टॉयलेट का प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू को किया था अप्रोच, पर महेश बाबू ने इस तरह का डार्क रोल प्ले करने में इनकार कर दिया, क्योंकि जहाँ पर 2003 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने लुक और रोल को लेकर निजम फिल्म पर, और जो बॉक्स ऑफिस पर उतना खास नहीं रहा। और इसके बाद अभी तक की महेश बाबू ने अपने लुक को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और इसी वजह से शायद उन्होंने इस फिल्म को किया था रिजेक्ट। और उनका रिजेक्शन के बाद सभी लोग जानते हैं कि ये फिल्म चला गया स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के पास, और इसमें अल्लू अर्जुन को एक नेवर सीन बिफोर आफ्टर में नजर आई है, जहाँ पर उनका कर्ली हेयर के साथ रॉ रस्टिक वाला लुक सबको किया है काफी हैरान। और पुष्पा पर अल्लू अर्जुन ने एक लॉरी ड्राइवर का रोल प्ले किया है, और उनका ये फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस तोड़ कर करी है कलेक्शन। दोस्तों, पर्सनली आपको क्या लगता है कि पुष्पा राज रोल के लिए क्या महेश बाबू ही परफेक्ट होता या फिर अल्लू अर्जुन? कॉमेंट पे बताइएगा। नंबर फोर, साई पल्लवी और ऐश्वर्या राजेश। और पहले र्यूमर उठा था कि साई को पुष्पा पर एक रोल के लिए अप्रोच की गई है, पर बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और इसके बाद ऐश्वर्या राजेश को भी सेम रोल के लिए किया गया था ऑफर। और ऐश्वर्या की रिजेक्शन के बाद ये रोल चला गया अनुष्का के पास, और इसमें अनुष्का ने एक स्मगलर का वाइफ के रोल प्ले किया है, और उनकी ये रोल भी काफ़ी डिफरेंट शेड का था। तो सो ये रहा साउथ का ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने पुष्पा द राइस को किया था रिजेक्ट। तो सबको क्या लगता है, इसमें से कौन से एक्टर ने पुष्पा को रिजेक्ट करके गलती की है? कमेंट पे बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा, और सके बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए मालिश एजेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।